तो गाइस आज हम लोग यार कंपेयर करने वाले हैं लोगी क्राफ्ट को और गाइस उसी के अपने यार एक नए वेरिएंट से, वेरिएंट कह सकते हो भाई, नया गेम कह सकते हो लोगी क्राफ्ट 5 से। तो यार यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है, पर उससे पहले तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम सबका स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे अपने चैनल विलाइक गेमिंग पे। तो गाइस यार आज हम लोग यार बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ करने वाले हैं, जैसे कि तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया है। तो यार आज हम लोग यार कंपेयर करने वाले हैं लोकी क्राफ्ट को लोकी क्राफ्ट 5 से, जो क्या बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। और गाइस यार ये वीडियो एकदम अमेजिंग होने वाली है, इसलिए यार इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना। तो यार बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले वीडियो में। तो अगर तुम चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलो जल्द से स्टार्ट करते हैं भाई। रुक 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 रुक, तो भाई कैसा है विलेक? भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता यार विलेक तू कैसा है? भाई मैं तो यार बहुत ज्यादा मस्त हूँ। तो भाई सबसे पहले तेरे को यार कांग्रेचुलेशन, यार तेरे 5K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, क्या तूने अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोला? अबे यार भाई तूने कैसी बात कर दी भाई, मैंने तो थैंक यू ने यार जब भी बोल दिया था, जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे जब भी बोल दिया था यार वीडियो के अंदर। यार तू ऐसी बातें करता था यार विलेक, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। चल यार तेरी कैर में मैं एक और बोलता हूँ थैंक यू गाइस यार फॉर 5000 सब्सक्राइबर। ये हुई ना सही बात ब्लैक भाई। तो यार हम लोग यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम भाई मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो जाके नहीं करते हो तो आप प्लीज़ जल्द से फॉलो कर लो, क्योंकि यार मतलब फॉलो करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार मैंने 10K पे बहुत कुछ होने का सोचा है और जितनी जल्दी 10K हो जाएंगे ना तो भाई उतनी जल्दी तुम्हें हो सकता है मेरा फेस रिवील और Q&A वीडियो देखने को मिल जाए, इसलिए भाई 10K भी जल्द से करा दो। तो चलो जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लोकी क्राफ्ट के बारे में। हर चीज़ जब भी हम कंपेयर करेंगे ना तो सबसे पहले यार हम लोग बात करेंगे लोकी क्राफ्ट से ही और उसके बाद लोकी क्राफ्ट 5 पर जाएंगे, क्योंकि लोकी क्राफ्ट यार हमारा फेवरेट गेम है, इसलिए लोकी क्राफ्ट को सबसे पहले लिया जाएगा। भले भाई ये गेम कैसा भी है पर अपना फेवरेट गेम है। तो सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो यार अभी ना मैं यहाँ पर ना पहले कंपेरिजन करने वाला हूँ एंड पोर्टल के बारे में। तो जैसे कि तुम सबको पता ही है हमारे लोकी क्राफ्ट के अंदर यार हमें एंड पोर्टल देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम मस्त लगता है यार देखने में। तो देखो ये मेरे हाथ में भी आ चुका है और देखो यार हम लोग इसे आराम से यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं और भाई हमें इसे प्लेस करने में यार कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और साथ साथ में यार हमें ये ना स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी हमें मिल जाता है, जो कि यार बहुत ज़्यादा बढ़िया बात। पर गाइस यार इस गेम में एक दिक्कत है, बस यार हमें इस गेम के अंदर एक चीज़ नहीं मिल पाती है, जो क्या तुम सब लोग गैस कर सकते हो। और यार वो चीज़ है यार इस गेम के अंदर हमें एंडर पर्ल और एंडर आई देखने को नहीं मिल पाती है, जो क्या मेरे को इस गेम में यार सही नहीं लगता। बाकी अगर उन्होंने अगर एंड पोर्टल दिया था तो भाई इन्हें तो ये भी देना चाहिए था। भाई तुम लोग बताओ तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो नीचे कमेंट्स करते हुए। पर यार मेरे को तो ये बात से बताऊँ तो दिल से बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि हमारे गेम के अंदर हमें यार ये चीज़ नहीं दी गई, जो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई किसी भी बिल्डिंग एंड क्राफ्टिंग गेम के लिए। अगर यार इन्होंने माइनक्राफ्ट की कॉपी करी थी तो भाई इन्हें यार एंडर आई और एंडर पर्ल भी देना ज़रूरी था, पर इन्होंने एंडर पर्ल और एंडर आई नहीं दी। तो छोड़ो यार अगर जल्द से हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट यार लोकी क्राफ्ट 5 की तरफ और उसमें देखते हैं क्या हमें उसके अंदर मिल सकता है एंड पोर्टल या फिर नहीं मिल सकता। तो यार अब मैं आ चुका हूँ यार अपने लोकी क्राफ्ट 5 के अंदर, जो कि यार देखने में तो एकदम मस्त लग रहा है। और यार इसके और यार टेक्सचर दोनों क्या बिल्कुल मुझे सेम टू सेम लगते हैं, मैं इनके टेक्सचर में कोई भी बुराई नहीं करने वाला हूँ। तो यार चलो अब यार हम लोग इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या हमें इसके अंदर हमें एंड पोर्टल देखने को मिल जाता है और क्या हम एंड पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यार ये तो देखो तुम्हें बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाई दे चुका होगा, इस गेम के अंदर हमें यहाँ एंड पोर्टल अब हर चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, एंड पोर्टल एंडर आई और एंडर पर्ल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि यार इस गेम की बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। अगर एकेंसो ने लोकी क्राफ्ट का इन्वेंट करा है तो भाई एकेंसो को भी यार ये सब चीज़ें लानी चाहिए, क्योंकि यार अगर वो ये सब चीज़ें नहीं लाएगी तो मेरे को लगता है आगे जाके लोकी क्राफ्ट जो है वो बंद भी हो सकता है। तो इनको यार अपडेट्स के ऊपर भी काम करना चाहिए। पर लोकी क्राफ्ट 5 है जिसने भी बनाया है उसने ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा मस्त बात करी है, भाई उसने ना इस वाले गेम के अंदर हमें एंडर पर्ल और भाई एंडर आई भी दे दिया है, जिसकी वजह से हमें लगा एंड सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और भाई उसका भी हमें एक्सेस यहाँ पर दिया गया है। तो यार मेरे को इस वाली गेम की ये वाली बात बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। तो यार इस वाली चीज़ से यार हमें यार एक पॉइंट यार इस लोकी क्राफ्ट 5 को भी देना पड़ेगा, क्योंकि यार इस गेम के अंदर यार हमें खूब सारी चीज़ें नई नई देखने को मिल जाती हैं। तो यार अब चलो एक बार हम इसके अंदर भाई एंड पोर्टल के अंदर घुस के भी देख लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भाई तुम लोग देख सकते हो मैं एक जगह पर आके स्पॉन हो चुका हूँ, जो कि यार होना भी चाहिए, क्योंकि यार मैं एंड पोर्टल के अंदर आया हूँ तो भाई कहीं ना कहीं तो स्पॉन होऊंगा ही। और भाई यहाँ पर यार तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें ऑब्सीडियन वाले वो बड़े बड़े टावर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके अंदर हमारा एंड क्रिस्टल लगा हुआ होता है।
और देखो इसके अंदर हमें देखो एनर ड्रैगन भी देखने को मिल जाता है, जो कि यार हमें लोकी क्राफ्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इस गेम के यार इस चीज़ में एडवांटेज है कि भाई ये वाला गेम के अंदर भाई हमें एंडर ड्रैगन दिख रहा है, और भाई एंडर ड्रैगन के साथ साथ हम यहाँ पे एंडर सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं वापस से लोकी क्राफ्ट की तरफ। तो यार जैसे कि तुम सबको पता ही है, लोकी क्राफ्ट में यार हम लोग यार बहुत मस्त चीज़ें कर सकते हैं, जो कि यार हम लोग बाकी और गेम के अंदर नहीं कर पाते हैं किसी किसी गेम के अंदर, जैसे कि क्राफ्टमैन को ही तुम लोग ये लो। फिर यार लोकी क्राफ्ट के अंदर यार एक चीज़ की और कमी है, जो कि यार हम लोग इसके अंदर इलाइट्रा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग सिर्फ यार फ्लाई जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं सिर्फ यार इसके अंदर क्रिएटिव मोड में, जिसकी वजह से हम लोग यार फ्लाई करके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर ये चीज़ हमें यार सर्वाइवल में देखने को नहीं मिलती है, जो कि यार इस गेम का एक और डिसएडवांटेज तुम लोग कह सकते हो। पर भाई यार दूसरी तरफ जो हमारे यार ये है लोकी क्राफ्ट 5, इसके अंदर यार हमें यार तुम्हें दिखाता हूँ मैं, हमें यहाँ पे ना इलाइट्रा का भी मिल जाता है एक्सेस। जब क्या इसके अंदर अगर हमें यार एंडर सिटी देखने को मिल रही है, तो साफ सीधी बात है हमें इसके अंदर इलाइट्रा तो देखने को मिलेगा ही, पर इलाइट्रा को यार हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। तो यार इस गेम की यार ये एक और अच्छी बात है, पर इस गेम में आप बहुत ज़्यादा ग्लिचेस भी हैं, जिस तुम लोग देख सकते हो। इस गेम में देखो यार तुम्हें ग्लिचेस देख रहे होंगे, जैसे मेरा पूरा कैरेक्टर है वो बिल्कुल गायब हो रखा है, तो ये चीज़ तो मेरे को भी समझ नहीं आ रही है। पर हाँ यार इस गेम पर तुम लोग यार इलेक्ट्रा का भी मज़े ले सकते हो। तो देखो मैं इसे देखो एक बार फ्लाई करके तुम्हें दिखा भी देता हूँ। भाई देखो यार गेम यार थोड़ा बहुत यार मस्त भी चलता है, और थोड़ा बहुत ये गेम देखो यार लैग भी मार रहा है तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि नीचे जो वर्ल्ड जनरेट होता है ना, उसे जनरेट होने में यार बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, जो कि मुझे इस गेम की अच्छी बात नहीं लगती है। और यार इस मामले में यार हमारा लोकी क्राफ्ट आगे है, और यार मतलब यार इसे भी यार एक और पॉइंट दे दूंगा मैं, और साथ साथ में यार मैं लोकी क्राफ्ट को भी एक और पॉइंट देने वाला हूँ। तो जैसी यार रात हो जाती है लोकी क्राफ्ट के अंदर, पर यार ये चीज़ें देखने में बिल्कुल एंड सिटी ऐसी लगती है। तो एक बार बैक करके तुम्हें वापस से दिखाता हूँ मैं। तो देखो यार ये बिल्कुल तुम्हें यार एंड सिटी जैसा दिख रहा होगा, तो क्योंकि यार मेरे को भी एंड सिटी ऐसा ही दिख रहा है। पर यार लोकी क्राफ्ट के अंदर एक चीज़ की कमी और नहीं, मतलब कमी नहीं कह सकता, एक चीज़ इसके अंदर एक और कम है। तो यार देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे देखो मैं बेड लगा के पहले सो जाता हूँ, क्योंकि यार इसके अंदर हम लोग बेड लगा के ही सो सकते हैं, और भाई और कोई रीज़न नहीं है हमारे पास सोने के लिए। तो जल्दी से फटाफट में सो के उठ चुका हूँ। तो यार इस गेम के अंदर यार तुम्हें ना फिश देखने को नहीं मिलती है, और यार किसी भी टाइप की तुम्हें इसके अंदर फिश देखने को नहीं मिलती है। पर हाँ यार फिशिंग के टाइम तुम्हारे पास कई तरीके की फिश आ जाती हैं, और यार इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, अगर तुम्हारी वीडियो नहीं देखी तो भाई उसे जाकर देख सकते हो। और तुम लोग देख सकते हो यार इसके अंदर देखो पानी के अंदर तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि जैसे मिलता है ना ओशन मॉन्यूमेंट वगैरह वगैरह, इसके अंदर बस तुम्हें डर्ट वगैरह देखने को मिलती है, जो कि यार इस गेम में यार थोड़ी सी डिसएडवांटेज तुम लोग कह सकते हो। और पर यार ओवरऑल जो यार मतलब टेक्सचर वगैरह है वो तो इस गेम के बढ़िया ही है। और देखो मैं इसकी तारीफ भी पहले कर चुका हूँ कि भाई इस गेम में यार कोई भी चीज़ लैग वगैरह नहीं होती है। तो चलो अब यार वापस से बढ़ते हैं वापस से लोकी क्राफ्ट 5 की तरफ में। तो गाइस यार हम लोग यार लोकी क्राफ्ट 5 के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे भी यार रात हो रखी है। तो यार सबसे पहले देखो यार इस वाले गेम के अंदर तुम्हें ना डिफरेंट टाइप के बेड देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार एकदम मस्त हैं। और यार देखो इसके अंदर तुम्हें यार हर कलर का बेड देखने को मिलेगा, पर यार जो हमारा लोकी क्राफ्ट है उसके अंदर भाई हमें बस एक टाइप का बेड देखने को मिलता है, जो कि है रेड कलर का बेड। और इसके अंदर हमें देखो यार कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ओपन चैट वगैरह वगैरह, जो कि हमें यार लोकी क्राफ्ट के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस गेम का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि भाई इसके अंदर हमें ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे भाई ये सारे बेड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना रखे हैं इन्होंने, तो लोग चाहो तो देख भी सकते हो। और यार तुम लोग सारे बेड पे एक बार खोल के देख सकते हो, मैं तुम्हें लगभग सारे बेड दिखा देता हूँ, तो क्या मैं दिखाऊंगा नहीं तो भाई कैसे चलेगा। और भाई यहाँ पे देखो तुम्हें हर टाइप का बेड भी देखने को मिल जाता है। तो चलो अब यार देखो इस वाली गेम की एक अच्छी बात है, पर एक बार हम लोग इसके अंदर जाके ए बी सी चेक कर लेते हैं, क्या हमें इसके अंदर पानी के अंदर कुछ ओशन मॉन्यूमेंट्स वगैरह या फिर बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे यार वाइन्स वगैरह ओगी होगी ना पानी के अंदर, वो सब भी क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो यार अब लोग यार बात करने वाले हैं लोकी क्राफ्ट के एनिमल्स के बारे में। तो जैसे कि तुम सबको पता ही है लोकी क्राफ्ट के अंदर एनिमल्स तो हमारे पास खूब सारे हैं, और खूब सारे हमारे पास ज़ॉम्बीज़ भी हैं, जो कि यार इस गेम में बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि यार किसी किसी गेम के अंदर तो वो चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। पर हाँ यार ये गेम हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं देखो हर भाई एनिमल का शेप का एग है, और भाई हर चीज़ का भाई हमें यहाँ पे एग देखने को मिल जाता है, जो कि इस गेम की बहुत ज़्यादा मस्त बात है। और भाई तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मशरूम काओ तक देखने को मिल जाती है, और भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी देखने को मिलती है, जैसे स्प्रे वगैरह। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें स्पॉन भी तुम्हें एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो देखो पिग हो गया, अब शीप स्पॉन करते हैं, वॉल स्पॉन करूँगा, उसके बाद ऑकलेट। और भाई ऑकलेट यार तुम सबको यार नहीं मिलता होगा नॉर्मली सर्वाइवल के अंदर,
तो यार इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है, तो भाई तुम लोग बताओ क्या तुम्हें उसके ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए नीचे कमेंट करते हुए। तो भाई आप लोग तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे देखो और चीज़ें भी जैसे मूल वॉल्फ और भाई कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि यार इस गेम को बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाती हैं। और भाई इसके अंदर तुम लोग यार जॉम्बी हॉर्स भी मिलता है और स्केलेटन हॉर्स भी मिलता है और एंडरमैन सिल्वर फिश स्केलेटन स्ट्रे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि इस गेम की बढ़िया बात है। तो अब यार हम लोग चलते हैं लोकी क्राफ्ट 5 की तरफ। तो लोकी क्राफ्ट 5 में भी यार तुम्हें कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे तुम्हें यार देखने को मिल जाते हैं लामा। और यार लामा यार मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया एनिमल है, इसके ऊपर तुम लोग बैठ के ट्रैवल भी कर सकते हो। और यार यहाँ पे देखो तुम्हें कई सारे एग देखने को मिल जाएंगे जो कि यार लोकी क्राफ्ट से ज़्यादा ही हैं, पर हाँ यार इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं। पर हाँ यार जो कुछ भी कहो लोकी क्राफ्ट वी आर बेस्ट है हमारा। पर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो और यहाँ पे हमारे पास देखो कई सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे स्पॉन ऑकलेट भी है, यहाँ पे भाई स्पॉन मशरूम है, स्पॉन बैट है, स्पॉन पैरट है तो पैरट को हम लोग ले लेते हैं, रैबिट है, लामा है तो लामा को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। और लामा के साथ साथ यहाँ पे यार हमारे पास डोंकी है, मूल है और स्केल्टन हॉर्स है और जॉम्बी हॉर्स है और ट्रॉपिकल फिश है, भाई ट्रॉपिकल फिश भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो यार इसके अंदर बस यार एक एडवांटेज ये है इस गेम के अंदर, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एंडरमाइट वगैरह हो गया और यार कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि यार तुम्हें यहाँ पे वो मिल जाएगा पांडा वगैरह। तो ये यार इस गेम की एडवांटेज है। और मेरे ख्याल से इसके अंदर पांडा नहीं है, पांडा की जगह यार यहाँ पे वो है क्या कहते हैं उसे भाई बर्फ़ वाला जो होता है ना भालू, उसे क्या कहते हैं भाई मैं भूल गया भाई, स्नो बियर या हाँ पोलर बियर कहते थे। तो यार याद आ गया मुझे, मैं भूल गया था। अबे चल बे, मैं तो तुझे समझता हूँ क्या तू गेम में ही नूब है, पर तू तो पढ़ाई में भी नूब है, चल बे नूब। यार तू विलेज से चुप रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या तो तू मुझसे पिटके मानेगा। यार ये बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है यार लास्ट 3 वीडियो से। और गाइस तुम लोग देख सकते हो शुरुआत में भी इसने थोड़ा सही काम करा, पर यार हर बार यार बकवास भी करते यार ये वीडियो के अंदर, जो कि सही बात नहीं है। और यहाँ पे देखो भाई तुम्हें पैरट के कई सारे कलर देखने को मिलेंगे, इसकी बातों को तो बाद में ध्यान दूंगा मैं। और यहाँ पे देखो तुम्हें और बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो यार इस गेम का ये एक और प्लस पॉइंट है। तो यार चलो अगर वापस चलते हैं लोकी क्राफ्ट की तरफ में। तो यार जैसे कि तुम सबको पता ही है, जैसे हमारे लोकी क्राफ्ट के अंदर जैसे ही रात हो जाती है ना, तो भाई उसके बाद हमें यार कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें यार दिन करने के लिए सोना ही पड़ता है। और भाई सोने के लिए हमें क्या चाहिए, बेड। तो यार जैसे कि यार इस गेम में यार एक लास्ट कमी और है, तो भाई इस गेम के अंदर यार हमें बस एक और चीज़ देखने को नहीं मिलती है, जो कि है यहाँ पे भाई चीट मोड्स। यार जैसे कि यार ज़्यादातर गेम के अंदर हमें चीट मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अंदर भी मैंने तुम्हें बताया था चीट मोड्स यार उसके अंदर होते हैं, और हम लोग यार चीट मोड्स की वजह से यार दिन भी कर सकते हैं। पर यार इसके अंदर भाई चीट मोड का हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो भाई बस यार इस गेम की ये एक और गलत बात है ये। बाकी यार ये गेम बेस्ट है। तो यार अब देखो जैसे देखो यहाँ पे मैं सोऊंगा यार जब ही हमारा दिन हो पाएगा, अदरवाइज यार दिन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यार दूसरी तरफ देखो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ लोकी क्राफ्ट 5 की ओर। तो देखो लोकी क्राफ्ट 5 के अंदर यार तुम्हें जैसे ही रात हो जाती है ना, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिंपली क्या करना होता है, तुम्हें ना ऊपर जो दिख रहा है ना चैट आइकन, तुम्हें उसके अंदर जाना होता है। और उसके अंदर जाने के बाद फिर तुम लोग यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हो। तो यार देखो मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ, पर उससे पहले मैं पानी से बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें आराम से करके दिखाता हूँ। तो देखो यार इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सिंपली यार देखो क्या करना है, यहाँ पे चैट वाले ऑप्शन में जाके तुम्हें टाइम मिल जाएगा, और टाइम जाके तुम्हें डे सेट करते ही भाई यहाँ पे देखो तुम्हारा हमारा दिन हो चुका है। तो यार देखो कितनी ज़्यादा मस्त बात है। तो यार जो लोग यार ज़्यादातर क्रिएटिव खेलते हैं तो उनको यार इस चीज़ में मज़ा भी आता होगा, और जो यार चीट खेल के यार सर्वाइवल करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मस्त बात है। पर ये चीज़ें हमारे यार उसके अंदर नहीं है लोकी क्राफ्ट के अंदर, जो कि यार थोड़ी सी बेकार बात है। तो यार आज की वीडियो में यार इतना ही कंपेरिजन करते हैं, पर यार जैसे भी भाई कहूँगा मैं लोकी क्राफ्ट गेम यार बहुत ज़्यादा बेस्ट है भाई, कोई भी गेम इसके सामने नहीं टिक सकता सिवाय माइनक्राफ्ट के, क्योंकि माइनक्राफ्ट तो यार इससे भी ज़्यादा बेस्ट है। पर यार लोकी क्राफ्ट यार जो हमारे फ्री यूज़र्स हैं भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, कोई और गेम यार इसकी जगह नहीं ले सकता। यार मैं तुम्हें एक लोकी क्राफ्ट 5 का डिसएडवांटेज बताऊँ, उसके अंदर कई सारे ग्लिचेस वगैरह हैं जो कि भाई तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए यार लोकी क्राफ्ट यार तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम लोकी क्राफ्ट 5 खेलना चाहते भी हो तो भाई तुम लोग खेल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें ट्राइडेंट देखने को मिल जाता है। पर उस वाले गेम के अंदर तुम्हें भी यार नेदर का कोई भी सामान नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि नेदरराइट इंगट वगैरह और बहुत कुछ। तो यार बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यार तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और साथ साथ में मज़ेदार भी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर जाकर फॉलो कर लो, लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। और यार अगर तुम्हें नहीं पता है कि हम लोकी क्राफ्ट में फिश स्पॉन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो यार राइट साइड वाली वीडियो को देखो। और अगर तुम्हें लोकी क्राफ्ट स्काई ब्लॉक पसंद है तो भाई लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे जाके देख लो।